Visit www.srku.edu.in. नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात जम्मू कश्मीर की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से आए सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल से मिले और उन्हें कई आश्वासन भी दिए। इन आश्वासनों में सुरक्षा इंश्योरेंस के साथ ही 15 दिन में पाबंदियां पूरी तरह से हटाने का भरोसा भी शामिल है। लेकिन इन आश्वासनों के बावजूद ये सवाल बरकरार है कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत राज्य के बड़े नेता हिरासत में हैं। इसी से जुड़ा सवाल ये है कि सरकार राज्य के बड़े नेताओं को रिहा क्यों नहीं कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती है। इन सवालों पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर पर केंद्र के वार्ताकार रहे श्री एमएम अंसारी, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के संयोजक इरफान गुल, सिक्किम के पूर्व डीजीपी और कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ अविनाश मोहनानी और पूर्व राजनयिक विवेक कारजू। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि अमित शाह से बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के सरपंचों ने क्या कहा। कर्फ्यू शर्फ्यू बटूबो भी ठीक हो जाएगा, नीचे वो दुकानें शकानें बंद हैं, गड्डियाँ बंद हैं, बीमारों का हमने बोला इसको सब हम वो काम कर देंगे, वो हम सब हटा देंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन पे भी हमारी बातचीत जो है वो होम मिनिस्टर साहब से हुई कि हमारे 18 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जहाँ सिक्योरिटी जो है वो फराहम जो है वो की जाए पंचायत सरपंच को, उस सिलसिले में बातचीत जो है वो हमारी हुई। ये जो 370 आर्टिकल 35A का भी रिसेंटली जो हुआ है और वहाँ पे शट डाउन है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो मैं लोकल पब्लिक के लिए कंसर्न थी ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है। अविनाश जी, आपसे शुरू करते हैं। आपके विचार से जो ये इतनी फैनफेयर के साथ, पब्लिसिटी के साथ मीटिंग हुई है पंचों और सरपंचों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ, क्या इससे लगता है आपको कि सरकार इन्हीं लोगों को एक नए नेतृत्व के रूप में पेश करना चाहती है, क्योंकि मुख्यधारा के जो राजनेता हैं वो तो जेल में बंद हैं। कोशिश तो निश्चित तौर पर यही है, क्योंकि ये अभी की नहीं है, मतलब उससे पहले भी 5 अगस्त से पहले भी यही कहा जा रहा था कि जो सरपंच पंच हैं हर गांव में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, सरपंचों को आगे बढ़ाया जाएगा और एक नई लीडरशिप खड़ी की जाएगी। अब सवाल ये है कि इनसे लीडरशिप खड़ी होगी कि नहीं होगी, ये तो बहुत मुश्किल है जवाब देना। लेकिन जैसा पहले भी कई बार इस तरह का कोशिश हुई है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, पाकिस्तान में तो हुई है। अय्यूब ने बेसिक डेमोक्रेसीज लाया था, उसके बाद ज़िया भी वो लाया था अपने पंचायत के, देन मुशर्रफ ने नाजिम बनाए थे। लेकिन अल्टीमेटली आखिर में हुआ क्या? आखिर में वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, नवाज़ शरीफ की पार्टी या वो वाली जो परवेज़ इलाही वाली पार्टी थी वो थी, या पीपीपी है, ये इन्हीं पार्टियां ये उभर के आई चुनाव में। क्योंकि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और अब पीडीपी है, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत नीचे तक गई हुई हैं, तो इनके कारकुन चारों तरफ फैले हुए हैं, हर गांव में हर जगह पे आपको इनके कारकुन मिल जाएंगे। तो ऐसा सोचना तो आसान है, लेकिन करना बहुत 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 मुश्किल होगा। ठीक है अंसारी साहब, अगर आपने अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी होगी, इनमें से कई सरपंच कह रहे हैं हम तो अपने गाँव के अंदर तक नहीं घुस सकते, तो अगर ये सरपंच गाँव के अंदर तक नहीं घुस सकते तो इनका नेतृत्व कैसे सार्थक होगा? नेता तो वही है ना जो जनता के विचार सरकार के सामने रखेगा, जनता तो आपको घुसने नहीं दे रही है। देखिए, आज की जो सूरत हाल है, जो हमने इस तरह की हमने खबरें सुनी है कि हालत यह है कि यहाँ तक कि पंचायत घरों को, पुलिस स्टेशन को भी CRPF जो है गार्ड कर रही है, और चूँकि बहुत सारे सरपंच जो हैं वो अपने घरों पे नहीं है, कहीं और लोकेशंस पे हैं, श्रीनगर वगैरह में हैं, तो
तो वहाँ पे चूँकि कोई कम्युनिकेशन लाइंस नहीं है तो वो अपने यहाँ लोगों से बातचीत कर नहीं रहे। तो अभी तो ये बिल्कुल एक महीने से ज़्यादा होने को आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन जो शटडाउन की है, कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेड है, ये कब खुलेगा। और बड़ी दिक्कत ये है, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि वो सिर्फ नई लीडरशिप के लिए ही ये मीटिंग नहीं हुई है, बल्कि ये कोशिश ये की जा रही है कि 2000 से ज़्यादा जो स्कीम्स हैं जो पंचायत के ज़रिए जो इम्प्लीमेंट होती हैं उसके लिए भी माहौल बनाना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो बजाय इसके कि कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती, कोशिश ये इनसे हुई, उनसे बातचीत करने की कि वो प्रोग्राम, वो स्कीम्स कैसे लगेंगी। इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो इंटरनेट से चलती हैं। मसलन ये मनरेगा में जो वेजेस हैं ट्रांसफ़र होती हैं उनके अकाउंट में होती हैं, जनधन योजना जो चलती है उसमें उनके ट्रांसफ़र जो है वो इंटरनेट से होती हैं, ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है जिसमें गरीबों को जो फ़ायदा मिलता है, मेडिकल हेल्प वगैरह मिलती है, वो भी स्मार्ट कार्ड से चलते हैं। तो अगर ये कि ये तमाम चीज़ें उनसे बातें की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पंचायत राज पे ही आपको डिपेंड होना है तो कश्मीर एक ऐसा वाहिद स्टेट रहा है, रीजन रहा है, जहाँ पर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो वो आज तक इस्टेब्लिश हुआ ही नहीं, उसमें 3 tiers जो लेवल है, पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट और जिला परिषद, आज तक कभी कंस्टिट्यूट हुई ही नहीं। तो देखते हैं, शायद तो, कुछ शायद बनाएंगे ये लोग, आप कह रहे हैं BDC का इलेक्शन कराएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इरफान, श्रीनगर से आए एक सरपंच ने इंडियन एक्सप्रेस को ये कहा कि गाँव वाले हमको केंद्र का, सेंटर का की कठपुतली मानते हैं, जैसे कि वो मुफ्ती परिवार को और अब्दुल्ला परिवार को मानते थे कि ये दिल्ली के स्टूजेस हैं। अगर ऐसी बात है तो ये अल्टरनेटिव लीडरशिप कैसे उभरेगी इनकी? इनको लोग कह रहे हैं तुम भी कठपुतली हो जैसे पहले मुफ्ती परिवार था और अब्दुल्ला परिवार था। मेरा इसमें यही मानना है कि हमेशा से क्या दिल्ली से क्या हुआ है कि लीडर्स को इम्पोज किया गया है, तो वहाँ से लीडर, ग्राउंड लेवल से लीडर चढ़ के आए हैं। जिस मेन स्ट्रीम की बात, अभी PDP NC की बात BJP कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, करप्शन किया, मुझे नहीं लगता है, मैं इनको इनफरादी तौर नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है इनमें से मैक्सिमम लोग वो होंगे जिनको कन्विक्शन ये था कि पैसे कैसे कमाएंगे। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये ठीक है, कल को आएंगे या गलत होंगे, लेकिन प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। जब आपके लोग साथ नहीं है प्रोसेस में, जब आपको 30% लोग, 30% ओनली वोटिंग हो रही है कश्मीर वैली से, तो ये लीडर कैसे बनेंगे? और अनकंटेस्टेड पंचायत पंचों की बात कर रहा हूँ, हाँ पंचों की बात कर रहा हूँ मैं, 64% में तो पंच सी नहीं है, 70 में से सरपंच सी नहीं है, तो ये लीडर कैसे बनेंगे? और जिस तरीके से हाँ ये अदरिंग की जा रही है कश्मीर में, ऑर्डरिंग की जा रही है, जिन्होंने पिछली बार इलेक्शन लड़ा, पंचायत इलेक्शन लड़ा था, उनको मैं बिल्कुल ये मान समझता हूँ कि ऑर्डरिंग इनको की जा रही है। स्टूजेस और नो स्टूज मैं नहीं मानता हूँ, ये अपनी राय है कि कोई इंडियन है, कोई इंडिया से डिसएग्री कर रहा है, वो अपनी अपनी राय है, स्टूजेस कोई किसी को नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये लीडरशिप क्रिएट कर पाए। ठीक है एम्बेसडर काटजू, गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि कश्मीर में, उनको पंचों को कहा है कि कश्मीर में किसी की ज़मीन छीनी नहीं जाएगी, यानी बाहर के लोग जाके उनकी ज़मीन नहीं खरीदेंगे, और कहा है कि कोई अगर इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, वो सरकारी ज़मीन पर बनेगा, सरकार उसके लिए ज़मीन देगी। लेकिन इन्हीं गृह मंत्री साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि 370 और 35A अनुच्छेदों को हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री को वहाँ ज़मीन नहीं मिलती, ज़मीन खरीद नहीं सकते। अब कह रहे हैं कि नहीं, आपकी ज़मीन आपके पास ही रहेगी, कौन से वक्तव्य को सही माने? एक दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि बाहर वाले ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो लोगों का कहना था कि जैसे चीन ने सिंजियांग में किया हैनाइजेशन, हैन चाइनीज़ को बसाया, वैसे हिंदुओं को बसाया जाएगा, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल अब कैसे चेंज होगा? अगर करना भी चाहें तो, मैं नहीं कह रहा हूँ करना चाहते हैं, करना भी चाहें तो कैसे करेंगे? सरकार जाके कश्मीरी पंडितों को या बाहर के लोगों को वहाँ बसाएगी? भारत, आपने खुद ही कहा कि डेमोग्राफिक चेंज कैसे होगा। पहला तो मेरा ये सवाल है कि किसकी मंशा है डेमोग्राफिक चेंज करने की? डेमोग्राफिक चेंज कोई इम्पोज थोड़ी करा जा सकता है, ये कोई स्टालिन के ज़माने का सोवियत यूनियन थोड़ी है
कि आप एक कौम को एक इलाके से हटा के दूसरी कौम को बसा दें, यो किसी की मंशा भी नहीं है। तो और जहाँ तक ज़मीन की बात रही, गृह मंत्री का तात्पर्य जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये था कि किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसकी ज़मीन नहीं ली जाएगी। वो भरोसा दे रहे थे कि जिसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति रहेगी। हाँ, अब हमें आगे चल के देखना है कि ज़मीन के निस्बत क्या और आउटसाइडर इनसाइडर के निस्बत सरकार कौन से कानून बनाती है, कैसे रूल बनाती है, उसके बारे में हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो धारा 35 ए को हटाया क्यों था? अभी की परिस्थिति जो है वो असाधारण। धारा 35 ए को रहने देते हैं, वो मिसाइल रहने देते हैं। देखिए देखिए अरे भारत, आप मुझे सुन तो लें। जो स्कीम पहले थी उसमें ये था कि जब तक वहाँ की सरकार, वहाँ की असेंबली की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो उसमें परिवर्तन आया है, सही आया है, गलत आया है, वो ठीक हुआ है, गलत हुआ है, वो मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी। जी जी, आपने कहा क्यों हटाया था, वो तो अब तो वो सब तो स्टेज पास हो गई, अब तो सुप्रीम कोर्ट के तहत है ये। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हम सबको मंजूर होना चाहिए। ठीक है। अविनाश, गृह मंत्री ने ये भी कहा कि हालात सुधरने पर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देंगे, ये पंचों और सरपंचों से कहा। तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री जो ये नया नेतृत्व उभारने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए एक नया ऑब्जेक्टिव, एक नया गोल पोस्ट भी दे रहे हैं कि भाई अगर आप मांग करेंगे राज्य की तो आपकी मांग समय आने पे पूरी की जाएगी? अब सवाल ये है ना, पहले तो कुछ लोग आए जो अगर आपने जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव हों, डिलिमिटेशन हो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उसके बाद चुनाव में जीते हैं, उसके बाद फिर आप ये असेसमेंट किया जाए कि स्थिति बदली, अच्छी हुई है कि खराब हुई है। अब ये भी एक सब्जेक्टिव सोच है कि आप किसी स्थिति को ख़राब भी कह सकते हो और उस स्थिति को अच्छा भी कह सकते हो। स्टैटिस्टिक्स को आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो, उस तरह से भी पढ़ सकते हो। तो अब ये कौन फैसला करेगा? मैंने कोई यहाँ पर कोई न्यूट्रल आर्बिटर तो है नहीं। फैसला तो वहीं पर नॉर्थ ब्लॉक में ही होना है कि स्थिति अच्छी हुई है, ख़राब हुई है, ये रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहे हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में एक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और जो इनके पास भी अगर ये गोल लेके चलेंगे कि स्थिति बदलने पे राज्य का दर्जा वापस आ जाएगा, तो ये बहुत इनके लिए भी जनता को समझाना, उनको बताना, नीचे तक जाना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अविनाश, क्या आप मानते हैं कि सरकार की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि इन्होंने मुख्यधारा के नेताओं को जेल में बंद कर दिया है? देखिए, मुख्यधारा के नेताओं के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, ये मैं तो शुरू से ही मानता हूँ, क्योंकि उससे ये लगता है कि बाकी जो भी भारत का झंडा उठाएगा उसका हो सकता है कि साल, दो साल, तीन चार साल, पाँच साल में ऐसा ही असर हो जाए। तो हमारे लिए ऐसे लोगों को इकट्ठा करना और मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो या कोई भी हो। अंसारी साहब, आपके विचार से सरकार द्वारा मुख्यधारा के मेन कश्मीरी पार्टीज के नेताओं को जेल में बंद कर देना, क्या इतनी बड़ी गलती थी जैसा कि अविनाश कह रहे हैं? क्योंकि ये लोग तो सेफ्टी वाल्व थे ना, आप प्रेशर कुकर में लोगों को रखेंगे तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट सेफ्टी वाल्व होता है, नेता का वक्तव्य सेफ्टी वाल्व होता है, वो सेफ्टी वाल्व भी आपने ख़त्म कर दिया है तो वो प्रेशर कुकर तो फटेगा ही फटेगा ना। ये हमारे यहाँ की एक हिंदी में सेइंग है कि जो गड्ढा खोदता है वो पहले उसमें गिरता है। अब ये जो आज चीफ मिनिस्टर्स जो आज बंद हैं, इन्होंने ही वो PSA जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो लागू किया, जो इसके बारे में हम सब ने कहा है कि ये बड़ा ड्राकोनियन लॉ है कि आप किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा करके 2 साल के लिए आप उसको बंद कर देते हैं, कोई चार्जशीट की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज बदकिस्मती से वो तमाम लीडर्स जो हैं वो उसी लॉ के तहत जो है, ड्राकोनियन लॉ के तहत वो जो है आके फंसे। उन लोगों से जब कभी हमने रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप इसके लिए वो कीजिए, इसको हटाइए, ये बहुत ही ड्राकोनियन लॉ है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और आज उसके वो शिकार हुए, आज वो शोर मचा रहे। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये बदकिस्मती है कि बिना किसी वजह के मुझे याद आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने गवर्नर साहब से भी मिले, फारूक अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने कहा कि सब ये सब अचानक जो तमाम चेंजेस आ रही हैं, आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी वहाँ पे
बढ़ाई जा रही है और वहाँ पे जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको हटाया जा रहा है। तुरंत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, 35 वगैरह कुछ नहीं होगा, कहीं कोई टेरर अटैक का खदशा है जिसकी वजह से ये सब तैयारियाँ हो रही हैं और बाद में पता चला कि ये ऑल ऑफ सडन जो है इतना बड़ा फैसला। यानी मैं समझता हूँ कि किसी को ये कुछ पता नहीं था कि अचानक अब्रप्टली ऐसा फैसला लिया जाएगा, इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में आज तक कोई भी 370 के तहत उसका जो इरोजन भी हुआ है तो किसी न किसी स्टेज पर स्टेट असम्बली की कॉन्करेंस ली गई है, लेकिन ये पहला मौका था कि बिना किसी कॉन्करेंस के इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। तो आप जो कह रहे हैं बातें, अभी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है क्या इसके ऊपर स्टैंड लेती है, इसलिए कि बहुत सारे जो लीगल लिमिनरीज हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट की ने जो प्रोसेस फॉलो किया है उसमें काफ़ी लेकुने उन्होंने निकाले हैं और बताया है कि हो सकता है कि ये सस्टेनेबल ना हो। वो अलग बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है चूँकि एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है उसके ऊपर कोई अपनी लाइन ले लेती है और वो इसको डिस्टर्ब ना करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि ये एब्रोगेशन जो हुआ है 370 और 35 ए का, ये शायद इट विल गेट स्ट्रक डाउन। ठीक, इरफान गुल साहब, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप यूसुफ तारिगामी साहब के कॉमरेड भी हैं, वो भी हिंदुस्तान का झंडा उठा के चलते थे। अब आप ये बताइए, इसके बाद वहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाले कितने बच जाएंगे जो पहले अपने आप को भारतीय कहते थे, उनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो गई? मैं एक बात, मेरा मानना है कि मुश्किलें तो स्टार्ट हो गई, बंद किया या डिटेंशन किया पॉलिटिकल लीडर्स का, लेकिन ये लड़ाई मेरे हिसाब से छोटी नहीं है, बड़ी लड़ाई है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की लड़ाई है। कश्मीर तक सहमत, कश्मीर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो 5 तारीख के डिसीजन से मुझे नहीं लगता है जो सच में खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं कि वो झंडा छोड़ देंगे। वो लड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ लड़ेंगे, लेकिन झंडे छोड़ने वाली बात मुझे नहीं लगता है कि जो खुद को हिंदुस्तानी समझता है वो छोड़ देगा। ठीक है, अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। इस चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। विवेक काटजू साहब, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में एक पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति पैदा हो गई है? ये हो सकता है बहुत टेम्पररी हो, लेकिन इस वैक्यूम को भरा कैसे जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे अंग्रेजी की कहावत है, नेचर अबहोर्स अ वैक्यूम। बिल्कुल, तो वैक्यूम कभी नहीं रहती है, कुछ न कुछ राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली को होल्ड करने के लिए लीडर वो पैदा हो ही जाते हैं। जैसे इरफान साहब ने कहा कि हाँ, धक्का लगा होगा लोगों को, लेकिन इससे ये मानना कि अब कोई नहीं बचा है कश्मीर वादी में जो अब भारत के साथ रहना चाहता है, वो गलत होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि दिल में चोट लगी होगी, गुस्सा होगा बहुत, वो स्वाभाविक है कि अगर उनसे बिना, उनको ये भावना है कि उनसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठा लिया गया, तो फिर जो रोष है, अब सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि वो रोष कम किया जाए, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन अब एक और चीज़ मैं आपसे कहूँ, मैं इतिहास ये गवाह है कि कभी आर्टिफिशियल लीडरशिप कहीं भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बनाई नहीं जा सकती। जी, वही लीडर होता है जो कि लोगों को कबूल हो, और अगर ऊपर से भी आप लगाएं लीडर को तो वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है।
तो इनमें सरपंचों में से अगर कोई ऐसे लोग निकले जिनको कश्मीर की जनता कबूल करेगी, कश्मीर वादी की जनता जो वादी में सरपंच है उनको कबूल करेगी, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। अगर उनको नहीं कबूल करेगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे मैं लेकिन इस एक मैं आखिरी चीज फिर आपसे कह दूं, लीडर निकल आते हैं। ठीक है, कौन होगा ये इस वक्त ये ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। इस वक्त तो असाधारण स्थिति है, कोई सामने ही नहीं है। अच्छा, तो नहीं ये कह रहे हैं इरफान साहब, मैं इरफान साहब से पूछता हूँ, इरफान साहब छोटा सा जवाब दीजिएगा इसका। ये कह रहे हैं कोई सामने नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि दो लोग तो मुझे सामने नजर आ रहे हैं। शाह फैजल को दो दो बार आपने गिरफ्तार किया, पहले गिरफ्तार करके 24 घंटे में छोड़ दिया और फिर बड़ी पब्लिसिटी के साथ दोबारा गिरफ्तार किया, होने को वो जेल में है लेकिन बीबीसी को आप उनको इंटरव्यू देने दे रहे हैं। इसी तरह जुनेद मत्तू हैं जो श्रीनगर के मेयर हैं, वो बंद है, उनको इंटरव्यू दिया देने की परमिशन दी जा रही है या वो दे रहे हैं, उनको कुछ कह नहीं रहा है। तो क्या ये नए नेता बनेंगे और पंच उनके पीछे हो जाएंगे? और ऐसे क्या आर्टिफिशियली आप नेता बना सकते हैं किसी को? जैसे कि विवेक कह रहे नहीं बना सकते, पर सरकार कोशिश तो करती हुई नज़र आ रही है ना। सरकारों ने कोशिशें की हैं, और जैसे पीडीपी की कोशिश बड़ी कोशिश थी, तो क्या दिया उन्होंने? ना कश्मीर को कुछ दिया और ना ही हिंदुस्तान के लिए कोई काम किया। मतलब लोग ना पीपल इंडिया को कुछ फ़ायदा हुआ, ना कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हुआ। उसी तरीके से चाहे कल शाह फैसल की बात हो या किसी और के भी, जिसको यहाँ से थोपा जाएगा मुझे नहीं लगता है वो लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर पॉलिटिक्स अगर करें, मेन स्ट्रीम लीडर्स अगर क्लियर पॉलिटिक्स करें, लोगों को सीधे बोले ये चीज़ हमारे तक है, ये चीज़ हम करने वाले हैं, इससे आगे सीधे लोगों को, मोर देन दैट लोगों को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। एक दिन बोल रहे हैं सेपरेटिस्ट और स्टूज, एंड देन अगेन दे आर इन अ रेस टू फाइट इन सुप्रीम कोर्ट। हाउ ए नॉर्मल इंडियन, जो कश्मीर का एक आम इंसान होगा, जो पहले भी हिंदुस्तानी था आज भी हिंदुस्तानी है, बल्कि वो इंडिया के इस बीजेपी के इस डिसीजन के खिलाफ है, लड़ेगा, उसको आप एक मिनट में स्टूज बनाते हो। जब आपको कंफर्टेबल होता है तब आप अपस्फा लगाते हो, जब आपको कंफर्टेबल नहीं है अपोजिशन में तब आप बोलते हो अपस्फा को हटाना चाहिए। तो जो एक नॉर्मल लोग हैं, यही तो प्रॉब्लम है, जो असल में लोग हैं, जो गरीब लोग कश्मीर के हैं, उन पे फोकस नहीं है। आई डोंट बाई दिस आर्गूमेंट कि फोकस शुड बी ऑन द मेन स्ट्रीम लीडर्स। आई एम टोटली अगेंस्ट दे आर वो डिटेन किए हुए हैं, लेकिन फोकस शुड बी ऑन द पीपल ऑफ द कश्मीर, जिनको डेली हैरेसमेंट होती है एसपी ऑफिस के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर। आज संतूर होटल में अगर ये मेन स्ट्रीम लीडर्स के बच्चे बच्चे भी हैं, उनके घर वाले आते हैं, वही पेन उनको भी दिखनी चाहिए कि क्या होता है, कैसे ये मामला होता है, तब जाके मुझे लगता है सरकार लोगों पे फोकस करनी चाहिए। ठीक है, अविनाश, लीडरशिप के बारे में आपने पहले कहा था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा, अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेट्स बनाए, मुशर्रफ ने नाजिम्स बनाए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की, ये पंच और सरपंच भी पार्टीलेस हैं। तो उनमें से आप पाकिस्तान में भी पोस्टेड रहे 3 साल, आप बताइए उनमें से कोई बेसिक डेमोक्रेट्स और नाजिम में से कोई बड़ा नेता उभर के आया, जिसे हम कहें कि बहुत बड़ा नेता इन्होंने बना दिया, नीचे से उभर के आया? नहीं उभरा। और नहीं आया तो क्यों नहीं आया? नहीं आया क्योंकि ऐसा है ना कि आप उसमें जब इलेक्शंस कराए थे वहाँ पाकिस्तान में, तो इलेक्शंस जो कराए थे वो आर्मी की उसमें हुए थे, तो उसमें वो उन्होंने फिर वो चुना कि कौन नेता ठीक रहेगा हमारे लिए कौन नहीं रहेगा, तो वहाँ भी पिक एंड चूज़ हुआ, और पिक एंड चूज़ में डेमोक्रेसी चलती नहीं है आपकी, चाहे आप बेसिक डेमोक्रेसी बना दें चाहे नाजिम बना दें। उनके वो ISI के डोजियर्स निकलते थे कि ये आदमी ख़राब है, ये ठीक है, ये ख़राब है, वो ठीक है, इस तरह से वहाँ तो बिल्कुल असफल रहा। अब जेन्युइन चुनाव हो, जेन्युइन चुनाव में कोई निकल के आए, कोई इतना पॉपुलर हो जाए, या ये प्रोसेस है, कोई आसानी से तो होगा नहीं और बहुत लंबा समय लगेगा। अगर आप सरपंचों में से भी निकालने चाहते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और जब तक जैसे इरफान ने ठीक कहा, जब तक कि शब्द कहना चाहूंगा, जब तक कि ये कबूल नहीं हो जनता को, बिना जनता के कबूल हुए नहीं। ठीक है विवेक, बोलिए, समय बहुत कम है, जल्दी बोलिएगा। हाँ बस एक शब्द, उदाहरण में पाकिस्तान की बात हो रही तो उदाहरण दे दूं, नवाज शरीफ, उनको किन्होंने चुना था? फौज ने चुना था। हाँ, पर बेसिक डेमोक्रेसी वो पाकिस्तान के ऑथेंटिक लीडर बने। हाँ ये अलग बात है कि फौज से टूट गई, फौज से उनके रिश्ते टूट गए जी, लेकिन फौज ने चुना था उनको, फौजी ने बनाया था। बेसिक डेमोक्रेसी को याद होगा,
बेसिक डेमोक्रेट नहीं थे, पार्टी सिस्टम के थ्रू आए थे, पार्टीलेस सिस्टम के थ्रू नहीं आए थे। अरे भाई अब आप उनकी पूरी पार्टी, सवाल यह है कि अगर आप ऊपर से इम्पोज करें, चलिए चलिए हम नवाज शरीफ से सीखेंगे, देखते हैं कश्मीर में कौन नवाज शरीफ पैदा होता है, तो ठीक है, चलिए कश्मीर में भी कोई नवाज शरीफ पैदा होगा ऊपर से अपॉइंट किया हुआ, देखते हैं। लेकिन अंसारी साहब, क्या कारण है कि सरकार, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, सरकार जो सेकंड रंग लीडर्स हैं एनसीके और पीडीपी के, उनको कह रही है कि आप एक शपथ पत्र दीजिए, बॉन्ड साइन करिए और हम आपको छोड़ देंगे। बॉन्ड क्या है कि आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, तो वो खुदकुशी कर लेंगे। और वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर जाएंगे ऐसे साइन करके तो लोग हमें कोलैबोरेटर्स कहेंगे। तो क्यों उनको पहले से ही डिलेजिटिमाइज किया जा रहा है कि आप बॉन्ड दीजिए और फिर छोड़ देंगे? नहीं, ये तो बड़ी सीरियस बात है और बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एक नॉनसेंसिकल बात है कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ किसी को कहें कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप शामिल नहीं होंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं या अपने विचारों का जो है कहीं आप इजहार नहीं करेंगे, ये तो एक बहुत गलत अप्रोच है, मैं नहीं समझता कि। और यह बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया, उन्होंने बल्कि ये एक्सेप्ट किया कि वो जहाँ रहना चाहते हैं वो रहेंगे। दूसरी बात ये कि वो बहुत इम्बोल्डन और भी हो गए होंगे कि 5 अगस्त के बाद जो मिलिटेंसी का जो बेस है, हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने खुद भी इसको बहुत बड़ा वाइड बना दिया और उसमें जो कोशिश हो रही है कि सरपंचों के सहारे जो है वहाँ की सियासत चलाई जाए और पिक एंड चूज वहाँ फिर करेंगे जो पहले भी कह चुके हैं। जान भी तो खतरे में, तभी तो गृह मंत्री कह रहे हैं 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे, 2 लाख के लिए कौन सा कश्मीरी अपनी जान दे देगा। और दूसरी ये कि सरपंच वहाँ है कितने, 4000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और मुश्किल से 100 चुने गए हैं। तो अभी तो, और जैसा मैंने पहले कहा कि 2000 से ऊपर चुने गए पूरे जम्मू कश्मीर में, और 4 जो साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे या तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ या एक आदमी खड़ा हुआ वो बिना कांटेस्ट। मैं जो आप सर्च करना चाहता हूं कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसके जो 3 टीयर्स है वो आज तक जम्मू एंड कश्मीर में कभी ये कंस्टिट्यूट हुआ ही नहीं है, उसके बहुत से उसकी नीटिग्रिटी जो है आज तक क्लियर नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मॉडल है, जो अप्रोच है, वो अपने आप में बहुत ही फ्लॉड है, ये चल नहीं पाएगा। और जो हम समझ रहे थे कि गवर्नमेंट अपनी एक नई स्ट्रेटजी के साथ आ रही है, और हम लोग सब पूछते हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्या सोच रही है वहाँ के हालात को नॉर्मल करने के लिए। सरकार नर्वस है क्या, आपको लगता है कि जो पहला जो बड़ी बहादुरी दिखा रहे थे, ढोल पीट रहे थे, अब नर्वसनेस पे आ गए? नर्वसनेस क्या, आपने तो इसके ऊपर बड़ी आर्टिकल लिखी हुई है और मैं समझता हूँ कि आपने गवर्नमेंट को इशारा कर दिया कि ये जितना भी बहादुर और ब्रेव बनते थे अब तो वो नर्वस है। और इस बात को मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जाल में फंस चुकी है। ठीक है, 30 सेकंड है मेरे पास, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, गवर्नर साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल लोगों से तो हम बात करेंगे नहीं, लेकिन मैं सिविल सोसाइटी से बात करूँगा, मैं खुद जाके प्रोफेसर से, टीचर से, लॉयर से बात करूँगा। सिविल सोसाइटी का कोई आदमी आके बात करने के लिए तैयार होगा गवर्नर साहब के साथ इस माहौल में? मुझे नहीं लगता है कि सिविल सोसाइटी या कोई, एक एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ब्रिज था जी स्टार्टिंग में जो ओपनली आता था वो मेन स्ट्रीम है, वो NCPDP, बाकी छोटी छोटी पार्टियाँ जो हैं वो है। उसके बाद बाकी कौन आएगा, अंदर बैठ के छुप के कौन आएगा, वो आ सकते हैं, लेकिन ओपनली वही है और उन्हीं को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो चर्चा का समय समाप्त हो गया है।